नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जोशीमठ में आ रहे भूदशाव की दिक्कत के मद्देनजर एक्सपर्ट संस्थानों से मौके की रिपोर्ट तलब की गई है। बता दें कि जोशीमठ में आ रहे भूदशाव से मार्केट भी प्रभावित हो रहा है और लोग आंदोलन कर रहे हैं। चल रही है और जो हमारे अनुसंधान करने वाले जो संस्थान हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट से लेकर तमाम प्रकार के इंस्टीट्यूट, उस पर अपना आकलन कर रहे हैं और उसी के आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। पर जांच चल रही है। और खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय सेवा के अधिकारियों के साथ सुशासन सरलीकरण समाधान के तहत बैठक की। साथ ही सीएम ने सचिवालय सेवा के अफसरों के साथ दो अलग अलग बैठकें करते हुए सचिवालय के कामकाज को और अनुशासित तरीके से गति देने की बात कही। राज्य सरकार ने कई बड़े निर्णय भी इस बैठक में लिए हैं। इसके तहत अब सचिवालय सेवा के अफसरों को भी फील्ड में काम करने का मौका मिलेगा। साथ ही वाहन आदि को लेकर चल रहे विवाद समस्या भी जल्द खत्म होने जा रही है। प्रदेश के विकास में गति देने में, प्रदेश की उन्नति में, प्रदेश की प्रगति में इन अनुभाग अधिकारियों से लेकर अनुसचिव और हमारे अपर सचिव तक के स्तर के अधिकारी, कहीं पर नोडल के रूप में रहते हैं, कहीं पर अन्य भूमिकाओं में रहते हैं, तो उन सभी को हमने यह भी कहा है कि एक तो समय समय पर उनकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के साथ साथ फील्ड पर भी जहाँ उनकी उपयुक्तता होगी या जिस विभाग से संबंधित वो यहाँ से शासनादेश करते, उनको मौके पर भी जाकर देखेंगे, जिससे कि जो शासनादेश हुए हैं, जो यहाँ से धनराशि अवमुक्त हुई है, वो ठीक प्रकार से लग रही है कि नहीं लग रही है, ठीक प्रकार से उसका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन सब में उनकी भूमिका रहेगी। और हमने कहा अन्य राज्यों के भी सचिवालयों का हम लोग एक बार अवलोकन करेंगे और वहाँ की भी जो अच्छी चीज़ें उन सभी को अपने यहाँ समावेश करेंगे। कुल मिलाकर यह है कि सबकी भूमिका एक उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाने के लिए, एक आदर्श उत्तराखंड बनाने के लिए और अग्रणी पंक्ति में हम देश के राज्यों में शामिल हों, उसके लिए सभी की भूमिका है। और यह बैठक बहुत सकारात्मक रही है और इस प्रकार की बैठक हम करते ही रहेंगे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री के एम कार्यालय में हिंदी फीचर फिल्म कलरव का ट्रेलर लॉन्च किया। साथ ही सीएम ने फिल्म की सफलता के लिए सभी कलाकारों को शुभकामनाएं दी। बता दें कि माया प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म को रिलीज होने से पहले ही 11 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं। दरअसल इस फिल्म में मुख्य कलाकार नितिन और अंबिका आर्य हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर जगदीश भारती हैं। इस फिल्म का अधिकांश फिल्मांकन उत्तराखंड में हुआ है और ये 6 जनवरी 2023 को रिलीज होगी। आज देहरादून की जहां भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है, वहीं इसको लेकर कांग्रेस हाईकमान ने मंगलवार को ऑब्जर्वर से नियुक्त कर दिए हैं। बता दें कि अजय कुमार लल्लू को ऑब्जर्वर बनाया गया है। उत्तराखंड में सियासत कब किस मुद्दे पर गर्म हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूर्व सीएम का 24 घंटे दिया गया धरना सियासत का नया विषय बन गया है, जिसमें अब कांग्रेस भाजपा आमने सामने आ गए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। नहीं, इस धरने के साथ कोई राजनीति है। कड़कड़ाती ठंड में सियासी दंड मार रहे हरदा के धरने के बाद सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास हो गया। जी, अंकिता के लिए न्याय की मांग कर दून के गांधी पार्क के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 24 घंटे का धरना देकर पूरे सूबे में एक बार फिर से अंकिता हत्याकांड की न्याय की लड़ाई को जिंदा कर दिया। नहीं, इस धरने के साथ कोई राजनीति है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इसके साथ कोई राजनीति जुड़े भी नहीं, क्योंकि ये उत्तराखंड का एक सामूहिक संघर्ष है। अंकिता का संघर्ष एक, हमको उससे एक संदेश लेना चाहिए कि उत्तराखंड भविष्य में इस तरीके के दैहिक सुख दोहन का स्तन लवल है, हमारी संस्कृति पर
हमारी आध्यात्मिकता पर, हमारी पहचान पर, हमारी इंसानियत पर भविष्य में भी कुछ धब्बा लगाने वाले लोग आगे ना आए, तो उसके लिए एक बड़े मंथन के लिए भी अंकिता का बलिदान हमको झकझोरता है। इसीलिए हम बार बार वो VIP कौन वाली बात कर रहे हैं, उसको खोजो। और आज भी इस धरने की हमारी पुकार गांधी बाबा के सानिध्य में इसी बात की है कि एक वो कौन है वो दुष्ट आत्मा जिसके लिए, जिसको हमारी बेटी को परोसे जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। वैसे तो हरीश रावत पूरी रात भर गांधी पार्क के बाहर धरने पर रहे। सोमवार दोपहर 12 बजे से हरीश रावत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में न्याय दिलाने, CBI जांच की मांग करने और VIP के नाम का सबके सामने खुलासा करने जैसी मांगों को लेकर अपना धरना शुरू किया था। हरीश रावत के साथ उनके समर्थक और कांग्रेस के कुछ लोग भी पूरी रात भर गांधी पार्क के बाहर धरने पर डटे रहे। पूर्व मुख्यमंत्री के धरने पर BJP संगठन और सरकार के मंत्री हमलावर नजर आए। सरकार के कैबिनेट मंत्रियों से लेकर BJP के नेता तक इसे धरने की सियासत बताते हुए कह रहे थे, हरीश रावत नौटंकी से बाज आए। अब उन पे काम तो कुछ है नहीं, हरीश रावत जी पे अच्छा है, समय काटने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। आप यदि देखेंगे तो उनके धरना प्रदर्शन केवल और केवल मैं समझती हूँ कि मीडिया में रहने का एक माध्यम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यदि वो बहुत कुछ कर रहे होते तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की प्रतिदिन जो है, जो दिन प्रतिदिन जो गिरावट आ रही है, चाहे संख्या बल से चाहे वैचारिक रूप से, मैं समझती हूँ कि उनको उस पर चिंतन करना चाहिए। और जो वो स्वयं कांग्रेस के लिए संकट बन चुके हैं, सबसे पहले तो वो अपना जो है इस बारे में ज़रूर चिंतन करना चाहिए कि वो कांग्रेस को क्या अस्तित्व में भी रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं। बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड वाले मामले में सरकार न्यायालय प्रक्रिया से, पुलिस प्रक्रिया से भीगी है और सब चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जल्दी जल्दी न्यायालय से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मगर इसी बीच में न्यायालय प्रक्रिया को बाधा पहुंचाने के लिए अपने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री छोटी छोटी बातों को लेके सड़क पर, चौराहों पर बैठ जा रहे हैं, जो न्यायालय की प्रक्रिया को बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि रावत जी को अपने देश की, प्रदेश की कानून व्यवस्था, न्यायालय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में SIT अपनी फाइनल चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। मामला कोर्ट में है जिस पर कोर्ट ने अब फैसला लेना है। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर मुखर हो चुकी है। तो क्या कांग्रेस जनहित का मुद्दा उठा रही है या फिर सियासत का खेल खेल रही है ताकि आने वाले चुनावों में इस मुद्दे का फायदा उठाया जा सके। लेकिन कांग्रेस के इस सियासी दाव को BJP तोड़ने में जुट गई है। देहरादून से अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। अंकिता भंडारी केस को लेकर एक दिन के धरने के बाद पूर्व CM हरीश रावत ने नया ऐलान किया है। हरीश रावत ने ट्वीट करते हुए बताया कि गन्ना मूल्य की घोषणा किए जाने की मांग को लेकर जनवरी के दूसरे हफ्ते तक 12 घंटे का इकबालपुर चीनी मिल पर धरना दूंगा। अब मेरे संघर्ष का अगला मुकाम है इकबालपुर चीनी मिल। मैं गन्ना किसानों के भुगतान, इकबालपुर चीनी मिल में हो रही गड़बड़ियों की उच्च स्तरीय जांच और किसानों के एक अब इकबालपुर में हल्ला बोलूंगा। COVID-19 के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है, जिसको लेकर धर्मनगरी हरिद्वार के राजकीय मेला चिकित्सालय COVID-19 चिकित्सालय में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मॉक ड्रिल की गई और दवाइयों से लेकर ICU बेड, वेंटिलेटर तक सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई।
इधर कालानुगी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी मॉकड्रिल की गई, जिसके जरिए कोरोना की बढ़ोतरी की स्थिति में उससे निपटने के लिए बेड और मैन पावर की उपलब्धता को लेकर जांच की गई। डॉक्टर सुनील कन्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के केसों में अगर बढ़ोतरी होती है तो उससे निपटने के लिए अस्पताल प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। कोरोना की जो अगर कोई अगली लहर आती है तो हम उसके लिए जो पूर्ण रूप से तैयार हैं। सारी व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, ऑक्सीजन पाइपलाइन है और सारे जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे स्टाफ हैं, ये ट्रेंड हैं। इनको अच्छी तरह से पता है कि कोविड के पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, इसलिए हमने आज मॉकड्रिल कराई है ताकि अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है, कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो हम लोग उसके लिए तैयार रहें और हम लोग तैयार हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है। जहां देश भर में सभी अस्पतालों में आज मॉकड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं कोरोना से बचाव को लेकर जिला अस्पताल पौड़ी की तैयारियों का उपजिला चिकित्सालय श्रीनगर से आए डॉक्टर गोविंद पुजारी द्वारा जायजा लिया गया। पूरी अच्छी है, ऐसी कोई कमी हमें नहीं लगी या मिली इंस्पेक्शन के दौरान, कि जो कि हमें इनको बताना पड़ता है कि भाई ये व्यवस्था और आप अपडेट करिए, ऐसा कुछ नहीं है। व्यवस्था पूरी अच्छी है, ऑक्सीजन प्लांट में चेकअप किया हूँ, ऑक्सीजन प्लांट पूरा अच्छी तरह से रन कर रहा है। 9900 का है, 960 का ऑक्सीजन प्लांट है और 36 बेड जो है कोविड के पेशेंट के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। 6 वेंटी आपके फंक्शनल पूरी तरह से हैं और 10 वेंटी आपके स्टैंड बाई में रखे गए हैं यहाँ। साइबर फ्रॉड के नए तरीके अब साइबर ठग अपना रहे हैं, जिसके चलते अब बिजली के बिल भुगतान किए जाने को लेकर भी साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। खास बात यह है कि उत्तराखंड के ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम तक को साइबर ठगों ने बिजली का बिल जमा न करने पर बिजली कनेक्शन काटे जाने का मैसेज फोन पर भेज दिया। मैसेज एक नंबर पर भी किया गया है जिस पर संपर्क करने को कहा जाता है। नंबर पर संपर्क करते ही एक ऐप डाउनलोड हो जाता है, जिसके माध्यम से सारी सूचनाएँ फोन पर ठगों तक पहुंचा दी जाती हैं। इस तरह के वाक्य से लोग ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। मेरे पास इससे पहले भी कंप्लाइंट आया था, एक रिटायर्ड अधिकारी का कंप्लाइंट आया था कि ऐसे फ्रॉड मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। तो उसके बाद एमडी से कहकर के साइबर थाने में हमने मुकदमा दर्ज किया है। अब कल यही सेम मैसेज मेरे पास भी पहुँचा है और भेजने वाले को मालूम नहीं है कि ये ऊर्जा सचिव का नंबर है। तो हमने डीजीपी साहब से भी अनुरोध किया था कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसको तेज़ी करें और उसके साथ साथ एमडी यूपीसीएल को कहा है कि आप अपील जारी करें। तो मैं उपभोक्ताओं से अपील जारी करता हूं कि जो यूपीसीएल के ड्यूज़ कलेक्शन करने का इस तरीके की कोई प्रक्रिया नहीं है कि आपको व्हाट्सएप में मैसेज भेजना और रात को 9:30 बजे बिजली काटे जाने की धमकी देना, ये यूपीसीएल की मैसेजेस नहीं है और प्लीज़ इस पर सतर्क रहें। उधर जिलाधिकारी चमोली ने जोशीमठ में हो रहे भूधसाव से मकानों में पड़ रही दरार का निरीक्षण किया। मंगलवार को जिलाधिकारी चमोली ने जोशीमठ पहुंचकर जोशीमठ के कई घरों का निरीक्षण किया और लोगों की समस्याओं को सुना। जिलाधिकारी चमोली ने मारवाड़ी विष्णुप्रयाग के पास हो रहे भूस्खलन का जायजा भी लिया। जोशीमठ नगर क्षेत्र में जो भूधसाव के इंसिडेंट संज्ञान में आ रहे थे, उसको देखते हुए नगर पालिका क्षेत्र में जो मनोहर बाग वार्ड है तो उसके हमारे कुछ घर हैं जो उनका निरीक्षण किया, और किसी का घर है किसी का मकान है तो उसमें देखा कि कई जगह पर दरारें आई हुई हैं, कई खेतों में भी कुछ क्रैक्स आए। तो उसमें शासन के द्वारा जो कमेटी थी उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन उसमें किया है, तो उसके क्रम में एक रिकमेंडेशन उसका ये है कि एक विस्तृत एक जो सीवरेज प्लान बनाने की, सीवरेज और ड्रेनेज प्लान बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ड्रेनेज की कमी होने की वजह से एक मेजर कारण बताया जा रहा है। तो उस पर काम चल रहा है लेकिन उसमें कंपैरेटिवली थोड़ा समय लग सकता है। तो उसको देखते हुए जो इमीडिएट हमारे वर्क्स हैं, अगर कोई टो इरोजन है या फिर जो घर ज़्यादा प्रभावित हैं तो उनके लिए, उनके बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या सुरक्षात्मक कार्य किए जाने हैं, तो उस पर एक बार
उसी के क्रम में निरीक्षण किया और जल्द से जल्द उसके काम को हम स्टार्ट करा के इसमें प्रगति लाएंगे। चमोली में जोशीमठ विकासखंड के थेंगुरगम के जंगलों में आग लग गई। आग लगने से कई वन संपदाएं जलकर खाक हो गईं। बताया जा रहा है कि सुबह से जंगल में ये आग लगी थी। आग की तस्वीर आपको बता रहे हैं, चमोली के जंगलों में आग लगी और जिसके चलते वन संपदाएं जलकर खाक हो गईं। धुएं को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण आग रही होगी। बात देहरादून की, जहां पर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ आरटीओ ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है, जिसके साथ ही नियम तोड़ने पर आरटीओ कार्यालय में काउंसलिंग के साथ ही एक घंटे की क्लास भी लग रही है। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि हेलमेट पहने बिना दोपहिया चलाने वालों के खिलाफ टीमें कार्रवाई कर रही है। ऐसे वाहन चालकों की काउंसलिंग के साथ ही कार्यालय परिसर में बने कैमरे से सड़क सुरक्षा से जुड़े वीडियो दिखाए जाएंगे। अफसर ने बताया कि बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले करीब 5000 चालकों के चालान हुए हैं। दोपहिया चलाते समय सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूरी है। तो प्रधानमंत्री मोदी के भाई की कार मैसूर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मैसूर से एक खबर है जहां पर पीएम मोदी के भाई के पोते की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उधम सिंह नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक तस्कर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने वन तस्करों से 6 बोरों में 293 दुर्लभ प्रजाति कछुए बरामद किए। साथ ही पुलिस ने एक गाड़ी को जब्त किया है। उत्तराखंड के पारंपरिक पकवानों को बढ़ावा देने के लिए मसूरी में 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जहां मसूरी आने वाले पर्यटक पहाड़ी पकवानों का आनंद ले रहे हैं। बता दें कि मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल के तहत कराए जा रहे 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल का मसूरी बीजेपी अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष मोहन पेटलवाल और SDM मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। हमर विंटर लाइन समिति और पर्यटन विभाग द्वारा जो है यहाँ पर एक फूड फेस्टिवल लगाया गया है, जहाँ पर पर्यटन विभाग द्वारा जो भी कुछ स्टॉल्स लगाए हैं, कुछ प्रशासन द्वारा भी लगाए गए हैं। और मैं मानता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर पहाड़ी फूड का यहाँ पर प्रचार प्रसार हुआ है, निश्चित ही जो है जो यहाँ पर टूरिस्ट आ रहा है, जो देश के कोने कोने से आता है, निश्चित ही उसको पता लगेगा कि पहाड़ के क्या क्या व्यंजन होते हैं। वहीं जो हमारे लोग हैं जो इन चीज़ों को बनाते हैं, इसको उसको प्रमोट करते हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिला है कि आप किस किस तरह से जो है व्यंजन होते हैं। और मैं मानता हूं कि यही नहीं, हमें पहाड़ी भोजन का प्रचार प्रसार जो है अन्य स्तर पर भी करना चाहिए। होटलों में भी जो होटल्स जो हैं वहाँ पर भी पहाड़ी व्यंजन मिलने चाहिए। और यही नहीं, जो हमारे यात्रा रूट हैं, जो हमारे ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं पहाड़ी इलाकों में, मैं मानता हूँ कि हमें वो चीज़ें ना बना के जो कि हमें और होटलों में मिलती हैं, हमें उसी क्षेत्र के जो भोजन होता है, जो व्यंजन होता है, जिस क्षेत्र में जो स्टॉल हैं, जो रेस्टोरेंट, जो ढाबा हैं, यदि हम वो लोग उस चीज़ को बनाएंगे तो मुझे लगता है 5-स्टार और अच्छे अच्छे शेफ भी उस चीज़ को वैसा अच्छा नहीं बना पाएंगे जितने उस क्षेत्र के लोग, क्योंकि उनको उस भोजन बनाने की महारत हासिल होती है, जबकि और जो शेफ होते हैं वो सीखते हैं वहाँ। जो इस तरह का जब होगा तो निश्चित ही जब टूरिस्ट इन इलाकों में जाएगा, यात्रा रूट पर जाएगा या पहाड़ के और रूट पर जाएगा, तो उसे पता लगेगा कि क्या क्या व्यंजन जो है पहाड़ के होते हैं। उससे उनकी आय तो बढ़ेगी, साथ में जो है पलायन जैसे मुद्दे भी लोग जो है पहाड़ की तरफ जाएंगे और इस तरह का उद्योग के रूप में इसको चलाने का प्रयास करेंगे। जो हमारा मसूरी विंटर कार्निवाल हो रहा है उसका दूसरा दिन है और आज जो है फूड फेस्टिवल का उद्घाटन भी हो गया है। इसमें जो पहाड़ के जितने भी व्यंजन हैं उनको सबको जो है परोसा जा रहा है। वहाँ के जो लोग पहनावा हैं, आभूषण हैं, उनमें महिलाएं सज धज के आई हैं, उनके स्वयं सहायता समूह और अन्य जो समूह बनाए हैं उन्होंने, उन सबको यहाँ आमंत्रित किया गया है। उनके बीच कॉम्पिटिशन रखा गया है, बाहर से भी सेफ बुलाए गए हैं जो निर्णायक की भूमिका में रहेंगे। और इस तरीके से ये उत्तराखंड के लोक व्यंजनों के प्रमोशन के लिए, उनको जन जन तक पहुँचाने का एक प्रयास। इससे एक दूसरा संदेश ये भी इस कार्यक्रम का है कि जितने भी हमारे पहाड़ी प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, जो हमारे काश्तकार उगा रहे हैं, उन सबको जो है यहाँ पर इस फूड फेस्टिवल के माध्यम से मार्केट मिल रहा है और स्वाभाविक रूप से उनका जो है जो उत्पाद हैं वो बिक रहे हैं और
उससे खेती किसानी को बढ़ावा मिल रहा है। बात उधम सिंह नगर की, जहां पर ठंड के दिन पर दिन बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी ने बुधवार को क्लास 5 तक के निजी और शासकीय स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। उधम सिंह नगर में ठंड के चलते पढ़ाई में भी बच्चों को बाधा लग रही है। उधर देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत का धरना आज दूसरे दिन समाप्त हुआ। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा है कि बीजेपी विरोधी दलों का अब मोर्चा बनाएंगे और अंकिता भंडारी के इंसाफ के लिए आवाज को और बुलंद करेंगे। धरने के साथ कोई राजनीति है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इसके साथ कोई राजनीति जुड़े भी नहीं, क्योंकि ये उत्तराखंड का एक सामूहिक संघर्ष है। अंकिता का संघर्ष एक, हमको उससे एक संदेश लेना चाहिए कि उत्तराखंड भविष्य में इस तरीके के दैहिक सुख दोहन का स्थल न बने, हमारी संस्कृति पर, हमारी आध्यात्मिकता पर, हमारी पहचान पर, हमारी इंसानियत पर भविष्य में भी कुछ धब्बा लगाने वाले लोग आगे ना आए, तो उसके लिए एक बड़े मंथन के लिए भी अंकिता का बलिदान हमको झकझोरता है। इसीलिए हम बार बार वो VIP कौन वाली बात कर रहे हैं, उसको खोजो। और आज भी इस धरने की हमारी पुकार गांधी बाबा के सानिध्य में इसी बात की है कि एक वो कौन है वो दुष्ट आत्मा जिसके लिए, जिसको हमारी बेटी को परोसे जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।